नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आई हूँ हनुमान चालीसा के बारे में। कहते हैं हनुमान चालीसा वह लोग पढ़ते हैं जिन लोगों को डर लगता है या नकारात्मक शक्तियाँ उनके आसपास भी भटकती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से ये चीज़ें उनसे दूर रहती हैं। हनुमान चालीसा को कवि तुलसीदास जी हैं जिन्होंने हनुमान चालीसा को लिखा है। कहते हैं हनुमान चालीसा में जिन्हें पढ़ने पर हमें हनुमान चालीसा का ज्ञान होता है और इसी को हनुमान चालीसा कहा जाता है। हनुमान चालीसा पढ़ने पर हमें हनुमान जी की रहस्यमय जीवन की शैली के बारे में पता चलता है। कहते हैं औरंगजेब ने तुलसीदास जी को पकड़ लिया था जिसी कारण उन्होंने उस काल कोठरी में ही बैठकर हनुमान चालीसा लिखी थी। नंबर दो, हनुमान चालीसा कब पढ़ें? जब आपको डर लगे या फिर नकारात्मक शक्तियाँ आपको परेशान करती हों तो तब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इससे आपके आसपास नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आती हैं और आपको भय मुक्त भी हो सकते हैं। नंबर तीन, यदि किसी व्यक्ति पर शनि का प्रभाव पड़ा हुआ है तो वह भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि देव जो कष्ट देने वाले हैं उससे वह मुक्त कर देते हैं और आपको जीवन में खुशियां आने की संभावना रहती है। नंबर चार, यदि किसी व्यक्ति को बुरी शक्तियाँ सता रही हैं तो वह हनुमान चालीसा का ही पाठ करे। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको बुरी शक्तियों से जल्दी ही मुक्ति मिल जाती है। पाँच, यदि आपसे कोई अपराध हो गया या गलती हो गई है जिसकी वजह से आप अपने दिल में लेकर बैठे हुए हैं कि इसकी क्षमा हम कैसे मांगे तो आप उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको क्षमा भी मिल जाएगी और जो आपके मन में डर सता रहा है कि जो आपने पाप किया उसका क्या होगा तो उसके लिए भी आपको भगवान हनुमान भी माफ कर देंगे। नंबर छः, जिस प्रकार भगवान गणेश आपकी बाधाओं को और संकट को हर लेते हैं उसी प्रकार भगवान हनुमान भी आपके संकट को हर लेते हैं। इसलिए यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके जितने भी संकट या बाधाएं हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं और आपके जीवन में नई खुशियां आती हैं। तो ये है हनुमान चालीसा के फायदे। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।